हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस आर जी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस आर जी स्टडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने पूर्णांक होते हैं, सबको आपको डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सामने। और किस प्रकार से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं, एक आपको यहाँ से एक सहायता मिलने वाली है जिसके माध्यम से आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, सॉरी पहले तो कुछ निर्देश हैं आपको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों पर चलते हैं। निर्देश यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो अभी आपको समय मिलेगा इस प्रश्न को करने के लिए, 1 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है। पूर्णांक आपको 25 नंबर मिलेंगे इसमें से। पहला निर्देश यहाँ पे दे रखा है, जो सभी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। सेकंड निर्देश में कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि एमसीक्यूज टाइप होगा, यानी कि 1 प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से एक ही विकल्प सही होगा। उसको छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। सेकेंड बात करते हैं कि ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो इसके उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ, अब हम लोग पहले प्रश्न की बात करेंगे जो हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CH4, ये तो मेथिन हो गया। दूसरा है C2H6, तीसरा है C2H4 और चौथा है C2H2। तो यहाँ पे 3 सूत्र जो दे रखे हैं आपके, ये ये और ये, इसके तो नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे एसिटिलीन पूछा गया है, तो एसिटिलीन का राइट आंसर हो जाएगा C2H2। तो ठीक है, यही आपका एसिटिलीन का सूत्र होता है और ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस हम लेंस का, किस दर्पण का या लेंस का उपयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है अवतल लेंस का, चौथा है अवतल दर्पण का। तो फिलहाल हम लोग जब भी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की बात कर देंगे तो हम लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लेंस लगाते हैं आँखों में, या जो चश्मा होता है हमारा लेंस होता है, हमारा दर्पण नहीं होता। दर्पण में होने का कारण होता है, दर्पण क्या होता है, जो एक तरफ से आपका कलई किया होता है, यानी कि इस प्रकार से आप जो रेगुलर शीशा देखते हैं वो आपका दर्पण कहलाता है। एक तरफ से आपको सिल्वर नाइट्रेट का आपको कलई किया हुआ होता है, पेंट किया होता है, और एक तरफ से आपको सपाट चिकना दिखाई देता है, इसमें अपने चेहरे को आप देख पाते हैं, वो हमारा दर्पण कहलाता है। तो दर्पण तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि एक तरफ से हमको बंद तो करना नहीं है, इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, लेंस का। लेंस कैसा होता है, या तो हमारे इस प्रकार से होगा, इसको हम उत्तल लेंस बोलेंगे, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, या तो हम बोलेंगे इस प्रकार से, इसको हम कहते हैं अवतल लेंस, या इसको बोलते हैं कॉनकेव। इन्हीं दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी लोगों को निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष भी होता है, तो उस समय में हम दोनों लेंस का एक साथ चिपका करके उपयोग करते हैं। तो चाहे हम अवतल लगाएं पहले या उत्तल लगाएं, दोनों को चिपका करके हम दोनों लेंस को उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि प्रश्न में पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष। फिलहाल अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें निकट दृष्टि दोष का कंडीशन कब आता है। मान लीजिए हमारा आँख का गोलक है, आँख के गोलक के जस्ट सामने इस प्रकार से आपको लेंस लगा होता है। ठीक है, इस लेंस से जब भी कोई किरणें प्रकाशित आती हैं तो आपको पता है न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है किसी वस्तु को देखने के लिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मनुष्य की आँख की न्यूनतम किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी थी 25 सेंटीमीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें नहीं पूछा गया तो आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, फिलहाल हम इसमें आगे देखते हैं। जब भी हमारा कोई लेंस से इस प्रकार से लेंस से गुजरती है तो क्या करती है, कॉन्वेक्स लेंस होती है उसको क्या करती है, कन्वर्जेंट कर देती है, यानी कि अभिसारित कर देती है, एक केंद्र पर लाके मिला देती है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है वो हमारे किरणों को फैला देता है, जैसे टॉर्च में लगा होता है तो टॉर्च में जो लेंस लगा होता है अवतल होता है, और अवतल क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करता है, तो ज़्यादा रोशनी फैल के जाती है। फिलहाल हमारी आँखों में अगर बात करते हैं तो आँखों में ये जो लेंस लगा होता है उत्तल लेंस होता है, और ये क्या करता है, किरणों को अभिसारित कर देता है, एक केंद्र पर रख देता है। कभी कभी क्या होता है, इस लेंस में लेंस हमारा पतला हो जाता है, या जो इस जो लेंस को पकड़ने वाली सिलेरी मसल्सेस होती हैं
इससे लेंस मसल अगर थोड़ी सी टाइट हो जाती है किसी माध्यम से तो हमारा लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। जब पतला होता है तो जो ये जो आगे जो यहाँ पे जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना पे ये चित्र जो हमारा बनता है यहाँ ना बन करके थोड़ा सा पहले बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। वैसे भी निकट दृष्टि दोष में हमको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं पर हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा सब देखना है। लेकिन इसका निकट दृष्टि दोष का नाम कैसे पड़ा, ये हमारे गोलक के अंदर हमारे दिमाग के गोलक को देखेंगे तो गोलक के माध्यम से उसके बारे में समझ सकेंगे। तो ये हमारा चित्र कहाँ पर बनना चाहिए था, रेटिना पर बनना चाहिए था, रेटिना पर ना बन करके कहाँ बन गया, हमारा पहले ही बन गया था, इसलिए इसको हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, कभी कभी ये लेंस क्या होता है मोटा हो जाता है, सॉरी पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो ये क्या होगा आगे बढ़ जाएंगी और इस प्रकार से ये गोलक से बाहर जाके चित्र इसका बनने लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। लेकिन ध्यान रखना दूर दृष्टि दोष में हमको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं और नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देता, उल्टा होता है, ध्यान रखना। दूर दृष्टि दोष में ऐसा नहीं लगा कि दूर दृष्टि दोष हुआ तो दूर को हमको नहीं दिखाई दे, दूर दृष्टि दोष में ध्यान रखना है कि दूर की चीज़ हमको दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देंगी पर हमको नज़दीक के नहीं दिखाई देंगे। इसी प्रकार से नज़दीक में क्या होता है कि हमको नज़दीक की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती हैं पर दूर की नहीं दिखाई देती हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो हमको पता है ये हमारा लेंस होता है, लेंस हमारा हो गया पतला, और जब पतला हो जा थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो मोटा होने की वजह से ट्रैवल करके तो काफ़ी पहले ही बन जाती हैं, जल्दी बन जाती हैं। अब इनको करते हैं हम इससे पहले थोड़ा सा अवतल लेंस लगाते हैं, तो अवतल लेंस थोड़ा सा फैला के और थोड़ा सा किनारे से जब भेजेंगे तो किनारे से जा करके ये पूरा जो गोलक होगा गोलक के रेटिना पे बना देगा। इस प्रकार से कितनी भी डॉक्टर की कितनी क्षमता का आपको लेंस उपयोग करना है वो हम जांच करने के बाद ही पता कर पाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम उपयोग करेंगे, अवतल, क्योंकि अवतल क्या होगी एक किरणों को फैला देंगी, जब फैलाएंगे तो ये थोड़ा सा जो हमारा लेंस था जो उत्तल लेंस था तो इसके थोड़ा सा और किनारे से जाएगी, जब किनारे से जाएंगी तो ये जो पहले बन रही थी तब जाके रेटिना पे पूरा बनने लगी, पहले जैसी किरण जाती थी थोड़ा सा पहले ही बन जाती थी। ये किरण को हमको इस पॉइंट पर बनाना था, हमें को रेटिना पर बनाना था, तो इस किरणों को फैलाने का काम करना था। कीड़े जब फैल के जाएंगी तो ये एकदम किनारे से जाएंगी और किनारे जब जाएंगी तो इस पॉइंट पर जाके मिलेंगी और रेटिना पे चित्र बनेगा। इस प्रकार से हम लेंस का उपयोग कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का। आगे हम किसका लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो किरणों को प्रसारित करती हैं। आशा करते हैं अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, इसी प्रकार से उल्टा अलग कर लीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में हम लोग लगा देंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या करेगा किरणों को सिकोड़ देगा और जो चित्र हमारा रेटिना के बाहर बन रहा था अब रेटिना पे ही बनने लगेगा। जो बाहर चीज़ बन रही थी जब हम उत्तल लेंस लगा देंगे, यहाँ पर भी उत्तल लेंस है यहाँ पर भी लगा देंगे तो किरणों को और सिकोड़ेगी, ये और सिकोड़ देगी, तो ये और सिकोड़ के जब यहाँ पर मान लीजिए रेटिना था हमारी रेटिना बना देगी, बाहर ना बना करके यहाँ पर लेकर आएगी। किस कंडीशन से इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिए, कभी भी आप ये ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। फिलहाल इसलिए इतना टाइम लिया हमने, अगर इसको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा तो हम डिटेल में इसको बारे में आपको बता देंगे, इस पूरे चैप्टर को ही सच्चे इस पूरे पेपर को सॉल्व करा देंगे अच्छे से। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समुद्री तल पर दाब मापे के पारे की ऊंचाई होती है। समुद्री तल की बात करते हैं, जो हमारा पारा होता है जो दाब मापी होता है उसमें पारा भरा था, उस पारे की ऊंचाई कितना दिखाता है उस समय, पहला 80 सेंटीमीटर, दूसरा 76 सेंटीमीटर, तीसरा 60 सेंटीमीटर और चौथा है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पत्ती के संबंधित अंग नहीं है, कौन सा पूछ रहा है कि पत्ती से संबंधित नहीं होता है। तो आपको पता है पर्णधार होता है, पर्णवृंत भी पत्ती में पाया जाता है, पर्णफलक भी पाए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है पर्ण जो संधि होती है ये पत्ती के भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न है कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप, क्रिस्टलीय रूप तो सबको पता है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आपको पता है ग्रेफाइट होता है, हीरा है, फुलरीन है, इसको बकमिनिस्टर ने इसका नाम, बकमिनिस्टर ने इसके बारे में पूछ की थी, उनका पूरा नाम था बकमिनिस्टर फुलरीन, इसी के नाम से फुलरीन का शब्द होना। ये आपके एक प्रकार से गेंद के जैसा होता है और गेंद में आप जैसे कि एक कोशिका को बनाते हैं, जैसे बॉल फुटबॉल देखें उसमें एक जब छीला जाता है उस प्रकार से चित्र बनी होती हैं, उसी प्रकार ये 60 कार्बनों से मिलकर के बना होता है, इसी के बारे में बकमिनिस्टर फुलरीन ने सर्च करके बताया था। जिस प्रकार से हमारा फुटबॉल होता है उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल होता है, इसी को बकमिनिस्टर या फुलरीन, ये तीनों चीज़ होती हैं हमारी ग्रेफाइट की कार्बन की क्रिस्टली रूप होती हैं। अब जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यार ध्यान नहीं आ रहा, चलिए ध्यान आएगा तो बता दूंगा उसके बारे में, दिमाग में है अभी उतर जा रहा है। अब क्रिस्टली क्रिस्टली रूप, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिलहाल यहाँ पूछा गया है कि लैम्प
जो कार्बन का अक्रिस्टलीय, हम लोग क्रिस्टलीय के रूप में अगर पूछता है तो ग्रेफाइट हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा और हीरा हो जाएगा, क्रिस्टलीय पूछता तो, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, जो लैम्प ब्लैक होता है जिसको हम कालिख कहते हैं, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ इसको इंग्लिश में कहते हैं एलॉय होते हैं। ठीक है, कार्बन का एलॉय क्या होता है, तो कार्बन कार्बन का एलॉय है ग्रेफाइट्स है, फ्लोरीन है और हीरा होता है। आगे देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 6 है। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊष्मा संचरण की तीन विधियाँ कौन कौन सी है। तो आपको पता है संवहन होता है, चालन होता है, विकिरण होता है। सूर्य से जो प्रकाश आती है वो विकिरण के माध्यम से होती है, और विकिरण के माध्यम से पहले वो सीधे धरती को गर्म करती है, फिर से वो रिटर्न जब होती है तब जाकर के वायुमंडल को गर्म करती है। कभी ये प्रश्न पूछ लिया तो जो सूर्य की किरणें होती हैं पहले किसको गर्म करेंगी, तो ध्यान में रखेंगे पहले हमारे पृथ्वी को गर्म करती है धरती को, उसके बाद वायुमंडल को। ऐसा नहीं कि वायुमंडल से पहले आ रही तो उसको गर्म करती हुई आ रही है, ऐसा नहीं होता है। अगला है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, सबको बच्चे बच्चों को पता है, ऊँट को पता, ऊँट को कहते हैं, उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। खाने का सोडे का और धान सोडे का रासायनिक सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन यहाँ पे सोडे का नाम याद कर लीजिएगा। एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaH, जब बाई लग जाता है तो खाने का लग जाएगा NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा बाई कौन होता है, खाना बनाने वाली होती है, काम करने वाली कौन होती है, बाई रखते हैं लोग, जैसे कि मुंबई में ये शब्द ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो अगर जहाँ पे एच को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बाई, तो जब भी एच लग जाएगा तो बीच में तो क्या बोलेंगे हमारा, एक खाने वाला सोडा होगा। खाना कौन बनाता है, बाई से, इस प्रकार से उसको याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के काको 3, NaOTCO3, Na2 नाको 3, इसको पढ़ लीजिए नाको 3। ठीक है, याद कर लीजिएगा Na2CO3, ये हमारा हो जाता है धोने वाला सोडा। कौन सा है, धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। हमारा क्या होता है, धोने वाला सोडा। ये हमारा खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसमें बाई लग जाता है तो उसको खाने वाला बोलेंगे। और ये हमारा कास्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो तीन आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और पूछा जाता ही है, पूछा नहीं जाएगा, पूछा ही जाता है, कुछ में से कोई भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है मछली का कौन सा होता है, मछली का आपका गिल्स होते हैं, तिलचट्टे का अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका भी एक अलग नाम है कुछ है, हमने अभी भी थोड़ा सा दिमाग उतर रहा है तो, लेकिन मैं अगला जब इसको पूरा कवर कराऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा यदि आप चाहेंगे तो। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम को द्रवित सोना यानी लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबको पता है पेट्रोलियम किसके लिए उपयोगी होता है, पेट्रोल ना हो तो क्या गाड़ियाँ चल पाएंगी, तो कहीं ना कहीं इसको लिक्विड सोना तो बोला ही जाएगा। और इसे भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, या सीएनजी जो है, सीएनजी का भी पूरा नाम आप बताइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंग में दो सुरंग यानी शेष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। जब अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं यहाँ पे इस प्रकार से साइनोसॉइडल चलती है ना, ऊपर नीचे होकर के, तो पूछ रहा है ये दो सुरंग पूछा ना कि ये इनके दो यहाँ से अगर यहाँ तक की बीच की दूरी की बात करते हैं, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा, इसको हम तरंग दैर्ध्य के रूप में नाम देते हैं। तो ये बीच की दूरी पूछ रहा था, तो आपको ध्यान रखना है तरंग दैर्ध्य या लैम्डा कहते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 10^-10 का 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 मीटर होता है। बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, अपवर्तन का नियम बताना है। जैसे जितनी भी छोटी झूठी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सब अपवर्तन के कारण होता है, जितनी भी सच्ची चीज़ें आपको दिखाई देती हैं परावर्तन के कारण। एक तरीके से आप इसको इस प्रकार से, ये लिखना नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं होता जो मैंने बोला, वैसे आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अपवर्तन की बात करते हैं, झूठी चीज़ें हमने कहा, झूठी चीज़ों का मतलब क्या होता है, आप सिक्के को पानी में डुबोते हैं, आपको लगता है सिक्का ऊपर पानी में तैर रहा है, थोड़ा सा ऊपर तैली से ऊपर उठ गया। आप कभी भी पानी के अंदर पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल हमको टेढ़ी दिखाई देती है, क्या वास्तविक में ये टेढ़ी होती है, बिल्कुल नहीं होती है, झूठी हमको लग रही है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हमको झूठी लगती हैं वो हमारे अपवर्तन के कारण होती हैं, और जो हमें सच्ची लगती है वो हमारा परावर्तन के कारण होती हैं। जो चीज़ हमको सामने दिख रहा है, जिसे हम छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सब परावर्तन की वजह से हो रहा है। परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टिव रे, यानी कि आपतित कोण और अपवर्तन कोण का मान जो होता है बराबर होता है, ये आपका परावर्तन का नियम कहलाता है। और प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश हमारी एक सीधी रेखा में चलती है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश का यह नियम होता है।
आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। 13 में पूछा जा रहा है भोज्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के आप क्या समझते हैं। फूड को अगर प्रिजर्वेशन करना है, परिरक्षण करना है, काफ़ी दिन तक संग्रहित करना है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर आम को रखना है तो आप आम का अचार बना सकते हैं, आम का अमावट बना सकते हैं। अच्छा, अमावट को भी कई जगह पे कई कई नाम दिया जाता है। तेलुगु में इसको बोला जाता है मामड़ी तांड्रा, मामड़ी ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, मामड़ी तांड्रा तांड्रा। ये हमारा केरल में नाम दिया जाता है आमो सोट्टो, या आपका बांग्लादेश में वहाँ बोला जाता है, बंगाल में बोला जाता है, और कई कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपको कभी एनसीईआरटी का बुक पढ़ने को मिलेगा तो वहाँ पे देखिएगा, एनसीईआरटी या सीटेट एग्ज़ाम देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न कभी कभी पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम संरचित कर सकते हैं, अचार बना कर सकते हैं, जैम बना के कर सकते हैं, या उसको हम अमावट के रूप में कर सकते हैं। तो यही आपका फूड परिरक्षण होता है, इसके बारे में आप आसानी से ले सकते हैं, समझा सकते हैं। जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। जीवाणु जो कैसे होते हैं आपको पता है, उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पृथ्वी पर आने वाले जो सबसे पहले जीव थे उनका नाम था जीवाणु ही था, बैक्टीरिया ही थे, और अभी तक वो जिंदा भी हैं। उनका नामांकित चित्र बनाइएगा, और बस इतना ही पूछ रहा है संरचना के बारे में, और उसके बारे में कुछ लिखने के लिए नहीं कह रहा है। मधुमेह की बात करते हैं, इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं इंग्लिश में। क्यों होता है, इसके प्रकार, कारण तथा लक्षण कई प्रकार के होते हैं। जो बीटा वाला होता है, बीटा मधुमेह, ये आपके लिए खतरनाक होता है। तो इसमें भी ए टाइप बी टाइप कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और फिलहाल जब भी इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में होने लगती है, अग्नाशय में जब भी हमारे इंसुलिन की कमी होती है, तो इस प्रकार से मधुमेह रोग का हमारे शरीर में हो जाता है। यानी कि जब हम मीठा चीज़ खाएंगे तो मीठा को पचाने वाला कोई चीज़ हमारे इंसुलिन होता है, इंसुलिन जब नहीं कर पाता है तो बीटा कोशिका जो इंसुलिन की होती है, ये कहीं ना कहीं मधुमेह के लिए उत्तर काफ़ी ज़्यादा उत्तर घातदायी होती है, घातक होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हाइड्रोकार्बन की बात करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर करके छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों, कारण सहित समझाइए। या हम हाइड्रोजन गैस भर दें या हीलियम गैस भर दें, दोनों एक ही बात होंगी। दोनों में क्या होगा, जो बराबर गुब्बारा होगा वो ऊपर उठ करके उड़ने लगेगा। इसका कारण क्या होता है, ये सब गैसें होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और इसकी वजह से ये क्या होती हैं, ऊपर उड़ने लगती हैं। यक्रिय गैसों के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपका 18वां समूह होता है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 18वां समूह हमारा यक्रिय गैसों के अंतर्गत आता है। और इसमें यह भी ध्यान रखना होता है, इनका जो 8वां जिनका जो ग्रुप होता है पूरी तरीके से फुल होता है, यानी कि जो अष्टक इनका होते हैं वो 2 और 8 पूरे तरीके से भरे होते हैं, इसलिए इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। लास्ट प्रश्न आपके पूछा गया है इसमें पेपर में, ओजोन परत अपक्षय से क्या समझते हैं, इनके कारण सहित संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैसा कि आपको पता है हमारा ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे पहली बात यही इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन परत पाया कहा जाता है, तो हम इसको बोलते हैं समताप मंडल। कहाँ पर बोलेंगे, समताप मंडल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और इसी मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। O2 किसका होता है, हमारा ऑक्सीजन का होता है। तो O3 जो होता है ये इसी के ये क्या होता है, अपक्षय हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, अपक्षय के मतलब ये टूट रही है, ठीक है, छिद्र होना है कह सकते हैं। और आर्कटिक महासागर के ऊपर ये आपको देखने को पड़ेगा, अंटार्कटिका में आपको काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो उसका अपक्षय हुआ है। और उसका मेन रीज़न क्या है कि जितने भी हम शीतलक का उपयोग करते हैं, शीतलक का तौर पर, शीतलक का कहने का मतलब तात्पर्य यह है, जैसे कि हम शीतलक के उपयोग में एसी का भी उपयोग करते हैं, फ्रिज का उपयोग करते हैं, या हम जो कूलिंग की चीज़ें होती हैं उसमें जब हम किस गैस का उपयोग करेंगे, फ्रियॉन नाम का गैस होता है, फ्रियॉन गैस उपयोग करते हैं, तो ये जब निकलती है वहाँ से CFC के रूप में, किसके रूप में निकलती हैं, CFC के रूप में, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यही हमारे ओजोन के अपक्षय का कारण होता है। और जब ये हमारा अपक्षय होगा तो वहाँ से सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पहुँच पड़ेंगी या हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ेंगी, तो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होगा, हमारे जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होगा, हमारी स्किन के लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि स्किन में कैंसर जैसे घातक बीमारियों के लिए वाहक हो सकती हैं पराबैंगनी किरणें। तो उससे बचाने का कार्य कौन करता है, ओजोन लेयर करती है, और हम खुद मनुष्य क्या कर रहा है, इस ओजोन लेयर को तोड़ने का काम कर रहा है, उसका अपक्षय करने का काम कर रहा है, किसके रूप में, इस प्रकार से कार्बन फ्लोरोकार्बन के रूप में, जो कि आपका शीतलक के रूप में से, शीतलक वाली जितनी भी सामग्रियां हैं जिसको हम
उपयोग करते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं यही सब हमारे लिए हानिकारक बन रही हैं और ये ओजोन परत का अपक्षय का कारण बन रही है। इसी के बारे में आपको लिखना है, 50 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा, आपकी काफ़ी सहायता करेगा। और इसी के साथ आपको अगर यदि वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।